इस धरती को कलंकित किया, जिसको भारत लेकर के आंदोलन को बनाया। उस समय मैंने कहा था कि ये भाजपा का बी टीम है, ये आरएसएस, इसको देखो उसके कुर्ता के अंदर, पैंट के अंदर आरएसएस का पैंट पहना हुआ है, है। और एक के ऊपर में एंटी करप्शन ब्यूरो का जांच बन गया है, और एक अपनी संपत्ति को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के गोद में चली गई। ये बात आपको अभी हम लोगों को एक संकल्प लेना है, और वो संकल्प एक मात्र होना चाहिए, भाजपा हटाओ, देश बचाओ और कोडरमा बचाओ। जो लोग बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर में हमारे लिए आज सबसे पहला जरूरी क्या है, अभी भाजपा के लोग अक्षत लेके चल रहे हैं, किस चीज का अक्षत? क्या महंगाई को खत्म करने का अक्षत है? क्या बेरोजगारी को खत्म करने का अक्षत है? क्या कोडरमा में जो पत्थर ढिबरा बंद हो गया है उसको खत्म करने का अक्षत है? तब तो वो अक्षत आपको लेना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान थे, वो अपनी पत्नी के लिए रावण से युद्ध कर लिए लंका में, लेकिन किस राम को अयोध्या में, जिस राम को वो करने जा रहे हैं वो तो खुद अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं। फिर किस चीज का? ये बात आप तमाम लोगों को तय करना है, क्या ये देश धर्म के आधार पर चलेगा, या ये देश संविधान के आधार पर चलेगा? क्या ये देश जो है सो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके आधार पर चलेगा, कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कहेगा उसके आधार पर चलेगा? तय आपको करना चाहिए। हम इसलिए आज यहां पर आए हैं, हम लोगों को इंडिया गठबंधन के तहत में कोडरमा लोकसभा चुनाव को जीतना है, और इस रमेश यादव की धरती पर है, लेकिन रमेश यादव के ही अन्नपूर्णा देवी ने इस धरती को कलंकित किया, जिसको हर से लेकर के हर पर उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने कोडरमा को बर्बाद करने का काम किया है, और आज ये दोनों मैडम मिलकर के दोनों हाथ से लूट रही है, और एक के ऊपर में एंटी करप्शन ब्यूरो का जांच बन गया है, और एक अपनी संपत्ति को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के गोद में चली गई। ये बात आपको तय कर लेना। इसलिए 2024 भाजपा को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए, अपनी संविधान को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कुछ दिनों से चल रहा है कि कोडरमा बाहरी और भीतरी का बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल यहाँ बाहरी और भीतरी का नहीं, बनारस से आकर के गुजरात में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, क्या वो बाहरी नहीं हुए? फिर वो तीन बार से सांसद कैसे बन रहे हैं? सवाल ये है, जो लोग ये बात फैला रहे हैं वो कोडरमा को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे सुभाष यादव यहाँ घर भी बना लिए, यहाँ पर लगातार 5-7 साल से लड़ रहे हैं, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, यहाँ के सामाजिक न्याय के ताकतों के लिए। ये बात आपको तय करना है, ये आपके लालू यादव जी के एक हनुमान बनकर के लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस कोडरमा को बर्बाद किया उससे बदला लेने के लिए। वो लालू यादव जेल में थे, पूरा बीमार थे, पूरा देश जब उनकी स्वस्थ की बात कर रहे थे, अन्नपूर्णा देवी ने एक शब्द भी नहीं लिखी, जो लगातार फेसबुक में हर दिन हर बात लिखती है। एक ट्रेन यहाँ से चल गया, कुछ नहीं होता है। ये भाजपा वाले जुमलेबाजी और झूठ बोल करके और लोगों से वोट लेते हैं, इसलिए कोडरमा के लोग
बदला आप लेंगे कि नहीं लेंगे कि कोडरमा बीजेपी का ही और आरएसएस का भूमि रहेगा, आप लोग लेंगे तो पहले हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए मुट्ठी बांध के कि हम पर तो धर्म के आधार पर नहीं, रोजगार के आधार पर, संविधान के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर। और यहाँ जो ढिबरा बंद हो गया है, हमारे मंत्री जी यहाँ है, मैं उनसे भी एक बात से आग्रह करते हैं, श्रम मंत्री है, और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ढिबरा जो जो आज 5 साल से बंद है, यहाँ पर पत्थर का खदान जो है उसका रिन्यूअल नहीं हो रहा है, यहाँ लाखों परिवार ढिबरा पत्थर और जो सो क्रेशर और जो सो शक्तिमान गाड़ियों के बल पर यहाँ के लोगों को रोजगार चल रहा है। हम लोग हेमंत सरकार से भी मांग करते हैं कि कोडरमा को इसी रूप में जाना जाता है और इसीलिए रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए। और यहाँ का डीसी, यहाँ का डीएमओ आपके चलान रहते हुए पंडित गाड़ियों को पकड़ लेता है, ये कानून के ऊपर नहीं है। वो डीसी और डीएमओ सुन लो और मंत्री जी को एक चेतावनी मीटिंग में कर देना चाहिए कि यदि चालान रहते हुए गलत करोगे यहाँ से नपे जाएंगे। ये सरकार को बदनाम करने के लिए, ये मैडम के हिसाब पर इशारे पर, भाजपा के इशारे पर ये सभी लोग जो अधिकारियों को हम कर रहे हैं, और ये हमारा आज पूरा कोडरमा रोजगार के नाम पर खत्म हो चुका है। और इसीलिए 2024 में हम लोगों ने कहा था कि जिस मैडम को आप वोट दे रहे हो, एक बात मैं लालचंद छात्र वालों को भी सुनाना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव आता है तो हो जाता है कमल छाप और जब विधानसभा चुनाव आ जाता है हो जाता है लालचंद छाप। ये काम किस बार नहीं होगा बोलिए, इंडिया गठबंधन कर करेगा, भाजपा को हराने में सब साथ में है, ये खाली चुनाव नहीं खाने ले आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार उसको जवाब मिलना चाहिए और इस बार भाजपा को हराना है। इसीलिए हम लोगों ने हमको साथ ने बोला कि आपको आना चाहिए, मैं आया हूं क्योंकि 2019 में जब कांग्रेस आरपीएन सिंह के कहने पर यहां पर जब आपको उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी को बनाया, उस समय मैंने कहा था कि ये भाजपा का बी टीम है, ये आरएसएस, इसको देखो उसके कुर्ता के अंदर पैंट के अंदर आरएसएस का पैंट पहना हुआ है। ये लोकसभा विधानसभा में सिर्फ आपको सेक्युलर ताकतों को हराने आया है और जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। 20 दिन में शादी होने के बाद महिलाओं का मेहंदी भी नहीं मिटता है और ये 18 दिन में बीजेपी चला गया। ये आप जरा सोचिए कि किस तरह के भाजपा राजनीति करते हैं। और इसीलिए इन तमाम ताकतों को हम लोगों को कोडरमा जो 10 साल से आरएसएस का प्रयोग भूमि बन गया है, इस बार कोडरमा से ही पूरे जो बदलाव का लहर होना चाहिए। और इस बार 6 कोडरमा का लोकसभा चाहो विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग को यह संकल्प लेना है। और चूड़ा दही एक यात्रा का प्रतीक होता है, यहीं से यात्रा बना करके फरवरी में अधिसूचना लागू होगा, मार्च अप्रैल में चुनाव खत्म होने जा रहा है। इस बार लोकसभा और विधानसभा, कोडरमा लोकसभा विधानसभा जीत लेना है और फासिस्टवादी सांप्रदायिकवादी शक्तियों को हराना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।